मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एक्लव इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डन इन द फोर्थ चैप्टर अप टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. मीन्स बेसिकली वी हैव डन टू सब एटम पार्टिकल ऑफ एन एटम. फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन and second one proton. In the chapter number 4, that is structure of an atom. This is the third video lecture. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स वर गिवन बाय ई गोल्डस्टीन. बोथ ऑफ दीज वी ऑलरेडी हैव डन इन फर्स्ट वीडियो लेक्चर एंड सेकेंड वीडियो लेक्चर. In the discovery of electron, we talked about cathode rays, the discovery of proton, we considered canal rays as well as anode rays, right? In the both discovery, we use discharge tube experiments, right? With the use of discharge tube, we have done discovery of the electrons and discovery of the protons regarding to the some experiments done in the discharge tube by the J.J. Thomson and E. Goldstein. 18th century के लास्ट में और 19th century के लास्ट में और 20th century के स्टार्टिंग के अंदर J.J. Thomson ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया और बताया कि कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स वर नोन एज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. ई गोल्डस्टीन ने फिर फर्दर ऑन उसी डिस्कवरी को फिर से रीडिस्कवर या फिर से कुछ अलग कंडीशंस के अंदर फिर से दोहराया और उस डिस्कवरी के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कैथोड को जो कि यूज़ किया जा रहा था इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उस कैथोड को अगर हम रिप्लेस करें विथ द परफोरेटेड कैथोड तो उसमें एक अलग रेज का और फॉर्मेशन उनको दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि उसमें एक कैथोड रेज के अलावा भी रेज का उनको डिस्कवरी उनको मिली और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है. जैसे कि कैथोड कैथोड टू एनोड मूव कर रही थी तो वो रेज जो थी वो एनोड टू कैथोड मूव कर रही थी. सो दे कॉल्ड दैट रेज एज अ एनोड रेज बिकॉज दे वर राइजिंग फ्रॉम द एनोड साइड. और चार्ज अपोजिट बताया कि कैथोड रेज पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज दे ऑल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज कैथोड. तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज पर जिस तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंड ही नेम्ड दैम एज इलेक्ट्रॉन्स, वैसे ही एनोड रेज पर भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंड दीज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज अ प्रोटॉन्स. तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं, पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स में अपन ने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लिया है. नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फिर बात हुई कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, एटम स्ट्रक्चर के अंदर, वो कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं. तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सम क्वेश्चन वर अराइज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स.
तो इनका अरेंजमेंट देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने मॉडल्स को दिया. और सबसे पहला जो मॉडल दिया गया था वो था, फर्स्ट मॉडल वॉज गिवन बाय थॉमसन ने दिया. और उस मॉडल को कहा जाता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल. थॉमसन एटॉमिक मॉडल बेसिकली क्या था? थॉमसन का मॉडल, उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एटम में पाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द कैथोड रेज. तो उन्होंने क्या कहा कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका पूरा का पूरा जो स्फीयर है, यानी पूरी की पूरी जो गोल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. यानी उन्होंने एटम को क्या माना, एक सर्कल स्ट्रक्चर मानी और कहा कि ये जो एटम होता है उसका पूरा का पूरा स्फीयर जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है पूरा स्फीयर. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही स्टेटेड दैट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं कहीं इस पूरे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में वो कहीं कहीं एम्बेडेड रहते हैं, एम्बेडेड में धसे हुए रहते हैं कहीं कहीं. तो उन्होंने इस तरीके का कुछ मॉडल प्रपोज्ड किया. तो इस तरीके का उन्होंने मॉडल दिया था थॉमसन ने. मींस उनका स्टेटमेंट क्या था, थॉमसन ने जो स्टेटमेंट दिया वो था कि स्फीयर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स विच हैव द नेगेटिव चार्ज वाज फाउंड एज अ एम्बेडेड. यानी पूरे का पूरा स्फीयर जो है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके अंदर कहीं कहीं छोटी छोटी बीड्स की फॉर्म में क्या पाया जाता है, एम्बेडेड होता है. इसी मॉडल को उन्होंने कंपैरिजाइज किया या कंपैरिजन दिया उन्होंने और कहा कि कुछ एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं कि उन्होंने दो एग्जांपल्स इसके एक्सप्लेन करने के लिए दिए. और पहला जो था वो था वाटरमेलन और दूसरा जो था वो क्रिसमस पे बनाया जाने वाला पुडिंग. वो दोनों ही एग्जांपल्स को लेकर इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे. बेसिकली जो वाटरमेलन का उन्होंने एग्जांपल लिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर जो रेड फ्लैशी पार्ट होता है, भाई आपको पता है वाटरमेलन को अगर आप कट करते हैं तो आउटर जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा वाइटिश पार्ट होता है और यहाँ नीचे की तरफ यानी मिड के अंदर आप कैसा कलर देखते हैं, रेड कलर देखते हैं जो कि फ्लैश होता है, जिसको अपन एडाइबल मानते हैं, खाते हैं जिसको. और उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं ब्लैक से, ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो रेड फ्लैशी पार्ट है वाटरमेलन का, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर. इसको एज इट इज इसको मान लीजिए. तो उन्होंने ये जो रेड फ्लैशी पार्ट है उस रेड फ्लैशी पार्ट को तो क्या कह दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया. और सीड्स जो होते हैं उनको, सीड्स को क्या बताया, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स बता दिया. यानी उन्होंने एटम के पूरे मॉडल को कंपेयर कर दिया विद दी वाटरमेलन और कहा कि वाटरमेलन का जैसे स्फीयर, जो रेड फ्लैशी पार्ट वाला स्फीयर है, अगर उसको पूरे को या बाहर जो भी स्फीयर है ग्रीन और वाइट वाला, उस पूरे स्फीयर को अगर पॉजिटिवली चार्ज मान लिया जाए तो वाटरमेलन में जो सीड्स होंगे जो कि कहीं 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 धसे हुए पाए जाएंगे, दीज आर कंपेयर्ड विद दी नेगेटिव चार्ज, दीज आर कंपेयर्ड विद दी इलेक्ट्रॉन्स.
तो ये सारा का सारा स्फीयर तो उन्होंने किसको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज को, और जो इसके अंदर सीड्स हैं उनको किसके किसके साथ कंपेयर कर दिया, विद द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड दीज आर नोन एज अ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड जो था जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल, तो उसके अंदर भी उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह से क्रिसमस पे बनाए जाने वाला जो केक होता है, पुडिंग जो होता है, उसके ऊपर जैसे कि डेकोरेशन के लिए अपन चेरीज लगा देते हैं छोटी छोटी ऊपर की तरफ, तो और जैसे डे टू डे लाइफ में अपन घर के अंदर जो पुडिंग बनाते हैं, हलवा जो बनाते हैं, उसको भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स जो अपन डालते हैं जो कहीं कहीं मिल जाते हैं, यानी पूरे उसके अंदर तो पूरा जो हलवा होता है उसके उसको तो अपन क्या मान लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लेंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स आप उसके अंदर डाल रहे हैं और मिक्स आपने कर दिए हैं, दीज ड्राई फ्रूट्स आर एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो बेस है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो ये चेरीज फॉर द डेकोरेशन वी आर यूजिंग वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तो इन्होंने अपने मॉडल को, थॉमसन मॉडल जो उन्होंने दिया था, उसको दो चीज़ों से कंपेयर कर दिया, वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया, और किससे कंपेयर कर दिया, क्रिसमस पुडिंग मॉडल से भी, क्रिसमस पुडिंग से भी कंपेयर कर दिया। तो और किस तरह से कंपेयर किया वो आपको पता ही है, और इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बताई वो ये थी कि जो इनका एक तरीके से अचीवमेंट माना जा सकता है इनके मॉडल का, वो अचीवमेंट क्या थी कि इन्होंने ये कहा था कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो होते कितने हैं, सेम अमाउंट में होते हैं, यानी आपके जो प्रोटॉन्स हैं दैट विल बी इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपका पॉजिटिव स्फीयर जो है जितना भी है एटम के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव पार्ट, और इसी की वजह से आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या यूँ कह देखिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। तो इनका जो मॉडल है, थॉमसन मॉडल, दैट इज आल्सो नोन एज अनदर नेम एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। तो कई बार क्वेश्चन अराइज होता है यहीं से, व्हाई वी आर कॉलिंग द थॉमसन मॉडल एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम होते क्या है, प्लम अपन बोल रहे हैं इन डेकोरेशन वाली चेरीज को, जो ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं या फिर ऑलिव्स भी हो सकते हैं, जो भी अपन यूज़ करते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए, क्रिसमस पे बनने वाले केक को डेकोरेट, अपना तो इतना ज़्यादा चलन है नहीं, बट जहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिश्चियन लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें जो डेकोरेशन यूज़ किया जाता है फ्रूट्स का, नट्स का, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनका, तो प्लम्स वगैरह का, तो उनको जो यूज़ कर रहे हो, तो यू वो जो प्लम है, दीज आर कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, एंड पुडिंग इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव स्फीयर या प्रोटॉन्स। तो इसीलिए इसका अनदर नेम क्या रखा गया है, प्लम पुडिंग मॉडल भी रखा गया है। तो थॉमसन मॉडल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थॉमसन मॉडल में ड्रॉबैक जो आई, फिर उसके बारे में बात करेंगे अपन की ड्रॉबैक क्या रही इनकी। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने की जो स्फीयर था वो क्या माना था, पॉजिटिवली स्फीयर माना था, और नेगेटिव जो पार्ट होता है एटम का उसको कहीं कहीं एम्बेडेड माना था, कहीं कहीं धंसा हुआ माना था, ठीक है। फिर उसको कंपेयर किया वाटरमेलन से, तो वाटरमेलन का रेड फ्लैशी पार्ट जो होता है उसको कंपेयर कर दिया विद दी पॉजिटिव स्फीयर, और जो सीड्स होते हैं उनको कंपेयर कर दिया विद दी नेगेटिव पार्टिकल्स, मींस विद दी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आया कंपैरिजन विद दी क्रिसमस पुडिंग, तो क्रिसमस पुडिंग में जो पुडिंग पार्ट होता है उसको पॉजिटिव स्फीयर से कंपेयर कर दिया, और जो चेरीज वगैरह या जो डेकोरेशन होता है विद दी हेल्प ऑफ द प्लम एंड ड्राई फ्रूट्स, तो उनको कंपेयर कर दिया विद दी नेगेटिव पार्टिकल्स, मीन्स विद दी इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच वी कैन कंसीडर फॉर द थॉमसन मॉडल, या फिर थॉमसन मॉडल ने जो कंपेरिजन्स दिए हैं फॉर द एटम, वी कैन ड्रो दीज। इसके बाद आती है कि थॉमसन मॉडल का जो ये मॉडल था वो कुछ ही टाइम के लिए क्या रहा, एग्जिस्टेंस में रहा, और आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट शो किया, तो रदरफोर्ड के मॉडल के आने के बाद इस मॉडल को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। उसका रीज़न था,
जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था तो उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरा का पूरा जो स्फीयर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पहला ड्रॉबैक तो यही था कि रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट शो किया तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट स्फीयर ऑफ द एटम वी कांट टेक एज अ पॉजिटिव स्फीयर, उसके अंदर पॉजिटिव स्फीयर पूरा का पूरा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ये बताता है। बेसिकली रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था क्योंकि उन्होंने ये स्टेट कर दिया था बाय देयर एक्सपेरिमेंट कि जो पॉजिटिव स्फीयर होता है वो एटम में सेंटर पे, वो भी बहुत छोटी सी जगह पे, या यूँ कह दें कि कंपैरेटिवली अगर किसी एटम की स्ट्रक्चर को लिया जाए तो बहुत छोटा स्पेस, जस्ट लाइक एक बड़े से जो फील्ड होता है, ग्राउंड जो होता है, क्रिकेट ग्राउंड होता है, उसके ऊपर एक छोटा कॉइन या फिर एक छोटा सा बटरफ्लाई जहाँ पर बैठ जाए तो उसका जो स्पेस होता है, उस बटरफ्लाई का स्पेस है, उस कॉइन का स्पेस है, उसके कंपैरेटिवली, यानी अगर आप पूरे ग्राउंड का स्पेस देखें और उस कॉइन का स्पेस देखें तो इतना ही छोटा आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है किसी एटम में, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस वो नहीं कवर करता है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस का जो उन्होंने स्टेट किया था कि उन्होंने न्यूक्लियस को बोल दिया था कि वो सेंटर पे पाया जाता है एवरी एटम, जो भी आप ले रहे हो फर्दर, उन्होंने जो डिस्कवरी की विद द हेल्प ऑफ द गोल्ड फॉयल, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आता है न्यूक्लियस पे, वो न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे पाया जाता है और एक छोटे से स्फीयर के अंदर वो क्या रहता है, बाउंडेड होता है। तो वो जो डिस्कवरी थी, रदरफोर्ड की डिस्कवरी जो थी, उस डिस्कवरी के बाद में थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन थॉमसन मॉडल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात रही वो ये थी कि पहली बात तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की, और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो न्यूट्रलिटी का जो एग्जांपल दिया था कि व्हाई वी आर कॉलिंग एटम एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों कह रहे हैं एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा जा रहा है, तो उसके लिए जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, बिकॉज एटम इज एटम जो होता है वो कंसीडर करता है, या एटम हैव सेम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं एटम के अंदर, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड अमाउंट ऑफ द प्रोटॉन्स वो क्या होता है, इक्वल होता है, और इक्वल होने की वजह से, इक्वल होने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, या यूँ कह दें कि एक दूसरे को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब चलते हैं थॉमसन मॉडल के बाद जो रदरफोर्ड मॉडल आया उसके बारे में कंसिडरेशन करते हैं। तो सेकेंड जो मॉडल दिया गया फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दैट वॉज गिवन बाय द रदरफोर्ड, किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। देखिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बहुत छोटी सी और बहुत पतली सी एक स्लिट ली थी, किसकी, गोल्ड की। गोल्ड इसलिए लिया गया था क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल होती है, जनरली किसी से जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, तो ये जो गोल्ड स्लिट ली गई थी, यानी पतला सा पेपर गोल्ड का, वो जो लिया गया था वो कितना था, 1000 एटम्स से बना हुआ, अबाउट 1000 एटम्स, यानी एक के ऊपर एक अगर एटम्स को रखा जाए और 1000 एटम्स को अगर आपने एक के ऊपर एक रख दिया है, तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि
एटम को अपन इतना छोटा क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन मिलियंस ऑफ दी एटम्स को अगर एक के ऊपर एज अ स्टैक्ड मैनर के अंदर रखते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक ऑफ कॉइन्स आप जानते हो, एक के ऊपर एक सिक्का रखते जाते हैं, तो उस मैनर में अगर आप रख रहे हैं तो वो पेपर लाइक प्रोजेक्शन देगा आपको, यानी मिलियंस ऑफ द एटम्स विल प्रोवाइड यू अ पेपर लाइक प्रोजेक्शन इफ़ यू आर पुटिंग दैम इन अ स्टैक्ड मैनर। तो सोच सकते हैं आप कि 1000 एटम्स को रखने के बाद कितनी पतली आपको स्लिट मिली होगी, किसकी? गोल्ड की। ठीक है, तो ये जो शीट उन्होंने ली थी, शीट बोल लीजिए इसको, तो ये जो गोल्ड शीट उन्होंने ली वो 1000 एटम्स से मिलकर बनी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने एक स्क्रीन लिया था, वो स्क्रीन जो लिया गया था वो स्क्रीन कवर्ड था अंदर की तरफ से ZnS की लेयर से, जिंक सल्फाइड की लेयर से, जिंक सल्फाइड की लेयर से उसको क्या किया गया था, कवर किया गया था। उसका रीज़न था, जिंक सल्फाइड जो होती है वो फ्लोरिसेंस क्रिएट करती है, चमक क्रिएट करती है, एक लाइट प्रोवाइड करती है। जब भी उसके ऊपर किसी अल्फा पार्टिकल को क्या किया जाता है, बम्बार्ड करवाया जाता है या फिर गिराया जाता है। तो उन्होंने एक तो लिया गोल्ड शीट, वो भी कितना, सिर्फ 1000 एटम से बना हुआ, और एक लिया स्क्रीन जो कि किससे बना हुआ था, ZnS से या जिंक सल्फाइड से। उसके अलावा उन्होंने लिया था एक कार्डबोर्ड शीट जिसके बीच में उन्होंने एक पॉइंटेड साइज की होल का फॉर्मेशन कर लिया था। तो एक लिया उन्होंने कार्डबोर्ड शीट, ठीक है, और एक लिया लाइट सोर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और इस सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक छोटा माइक्रोस्कोप भी लिया, मूवेबल माइक्रोस्कोप, जो कि क्या कर सकता था, मूव करके, इधर उधर मूव करके क्या कर सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था। ठीक है, तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन फाइव थिंग्स को उन्होंने लिया और एक अरेंजमेंट किया। किस तरीके का अरेंजमेंट था, देखिए, इस अरेंजमेंट को करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसको कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये स्क्रीन उन्होंने ही लगाई, इस स्क्रीन के बिल्कुल मिड में उन्होंने रखा गोल्ड फॉयल को, ठीक है, यहाँ पे रखा उन्होंने वो कार्डबोर्ड जिससे उनको लाइट बीम गेन करनी थी। एक स्लिट उन्होंने काट दी, एक छोटा सा होल रख लिया, और यहाँ रखा उन्होंने लाइट सोर्स। बेसिकली ये जो लाइट सोर्स था वो था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से बना हुआ, और इसमें उन्होंने लिया था रेडियम, रेडियम, बिकॉज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन गिव यू अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल सोर्स था ये। ठीक है, ये था आपका कार्डबोर्ड, ये स्क्रीन है ये, मेड बाय ZnS, ये आपका गोल्ड फॉइल, और यहाँ पे लगाया उन्होंने एक छोटा सा मूवेबल माइक्रोस्कोप।
तरीके का अरेंजमेंट किया था जिसे कहा जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको अरेंज करने के बाद उन्होंने एक लाइट सोर्स गेन किया यहाँ से, पैरेलल लाइट बीम, और उसको डाला गया किसके ऊपर, इस गोल्ड फॉयल पे। जब ऐसा किया तो एक चौंकाने वाले रिजल्ट्स उनको मिले, जो कि बिल्कुल थॉमसन मॉडल का जो मॉडल दिया था उन्होंने कि स्फीयर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहीं कहीं जगहों पर क्या होते हैं, एम्बरडेड पाए जाते हैं। तो वो जो पहले से थिंकिंग उनकी थी कि अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही कुछ फिगर निकल के आना चाहिए था एटम का, बट ऐसा नहीं हुआ। यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहाँ से देखे वो बिल्कुल ही एक तरीके से शॉक करने वाले रिजल्ट्स थे, क्योंकि ये जो रेज उन्होंने डाली थी वो स्कैटर हो रही थी, कुछ जो हो रही थी वो कुछ एंगल से हो रही थी और मोस्ट ऑफ द रेज सीधी निकल के जा रही थी, यानी बिल्कुल सीधी। उसका रीज़न था कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर अपन मान सकते हैं वो जस्ट लाइक द हीलियम पार्टिकल्स मान सकते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक मास होता है 4μ और इस पर पाया जाता है +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर इनका अपन मान सकते हैं जब हीलियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हों, लूज कर दिए हों। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग मॉडल उन्होंने दिया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि एक नया एटम स्ट्रक्चर निकल के आने वाला था जो कि बिल्कुल थॉमसन मॉडल से बिल्कुल अलग था। तो ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने देखे थे वो 3 ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया इस स्कैटरिंग मॉडल से। स्कैटरिंग मॉडल को इसीलिए कहा गया क्योंकि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू दी गोल्ड फॉयल, यानी वो जो गोल्ड फॉयल उन्होंने लगाई थी उससे स्कैटरिंग शो कर रहे थे, स्ट्रेटली पास हो रहे थे और यहाँ पर बम्बार्ड करते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि फ्लूरिसेंस क्रिएट कर रहे थे। वो फ्लूरिसेंस बता रहा था कि यहाँ पर आकर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू दी गोल्ड फॉयल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, कुछ जो हो रहे थे वो स्कैटर हो रहे थे विद सम एंगल डिफ्लेक्शन, और उनमें से 12,000 पार्टिकल्स, कुछ बुक्स में 20,000 भी दे रखा है, 12,000 पार्टिकल्स में से 1 पार्टिकल एक ऐसा था जो कि स्ट्राइक गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करने के बाद अगेन अपने ही पाथ पे आ गया था। तो ये 3 जो ऑब्जर्वेशन थे जो इन्होंने देखे थे, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच वर गिवन बाय द रदरफोर्ड बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कैटरिंग मॉडल। अब ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन आए वो ऐसे क्यों आए, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो थॉमसन मॉडल को सपोर्ट क्यों नहीं करता था, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि थॉमसन मॉडल ने मॉडल कैसा दिया था अपना, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, और रदरफोर्ड ने जो अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया वो किस तरह से उन्होंने अरेंज किया और किस तरह से उन्होंने दिया। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।